नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। आप जानते हैं मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और हम कानूनी मुद्दों पर बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आम आदमी को इस देश के कानून की जानकारी हो, कानून की जो पेचीदा सवाल होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट्स की मदद से उनको आसान लफ्जों में लोगों के सामने लेकर आए ताकि लोग कानून जाने और फिर कानून माने। तो हमारे साथ आज मेहमान है श्री असद अलवी। तो असद भाई, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। तो असद अलवी साहब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, बहुत ही नामचीन घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। शायरी और लिटरेचर और वकालत, तीनों का मिला जुला एक संगम है असद भाई के पास। तो असद भाई, ये जो हेमंत सोरेन वाला जो मामला हुआ है जिसमें उन्हें जमानत मिली है, कल 150 दिन उनको जेल में गुजारने पड़े और तमाम तरह की तोहमतें उन पर लगाई गई। एक पूरा इलेक्शन का जो सबसे कीमती उनका टाइम था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो अध्यक्ष हैं, वहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। 31 जनवरी को उनको गिरफ्तार किया गया जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा और फिर आप जानते ही हैं कि इलेक्शन में किस तरह की चीज़ें हुई। अब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि साहब कोई ऐसी वजह हाईकोर्ट को, जो रंगोन मुखोपाध्याय जनाब वहाँ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा है कि कोई ऐसी वजह उनको नहीं दिखाई देती है जिसकी वजह से हेमंत सोरेन को दोषी मानने का कोई बिना बनती हो, लिहाजा उन्होंने उसको जमानत दी। और सेक्शन 45 पीएमएलए में जो बहुत इस समय चर्चा में है, ट्विन कंडीशन जिसको लेके तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, उसको भी उन्होंने कहा कि वो कंप्लाई करते हैं। तो क्या टिप्पणी है आपकी इस मामले में? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, बहुत अहम बात है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा बताऊं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और क्यों पीएमएलए बना और क्या पीएमएलए के जो सेक्शन 45, 50 और 4 जिसमें सजा होती है वो क्या। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो आपकी ब्लैक मनी है आप उसे वाइट में किस तरह, इसी को रोकने के लिए दुनिया भर के अंदर ये परेशानी है मौजूद, क्योंकि जो नारकोटिक्स हैं, जो हवाला का मामला है, प्रॉपर्टीज़ खरीदने का है, रिश्वतों का मामला है, इन सब को रोकने के लिए जो ये कानून बनाया गया है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है। उसके बाद कई बार ये अमेंड भी हुआ है। इसी की धारा 45 है, इसी की धारा 50 है, इसी की धारा 4। धारा 4 के अंदर क्या है कि अगर कोई आदमी इसका गिल्टी है तो उसको 3 साल से 7 साल तक की सजा और 5 लाख और कुछ जो जुर्माने का प्रोविजन। 50 क्या है? 50 वो है कि आप पीएमएलए के अंदर जब ये नोटिस सर्व होते हैं, जो बार बार हमने कई दफ़ा मीडिया में सुना है कि नोटिस आए लेकिन वो विटनेस नहीं पहुंचता या एक्यूज नहीं पहुंचता है, वो सेक्शन 50 के नोटिस हैं। और सेक्शन 50 के नोटिसेस के बाद ये तय होता है कि उसका क्या स्टेटमेंट है और ये सारा कुछ। इसके अलावा अब मैं हेमंत सोरेन के केस पे आता हूँ। हेमंत सोरेन का बेसिकली केस क्या है? एक प्रॉपर्टी थी जो 4.46 एकड़ की थी, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रॉपर्टी थी। इसके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर हुआ और इस केस रजिस्टर में जो हुआ तो उसमें एक जो रेवेन्यू ऑफिसर थे भानु प्रसाद, वो इसमें मेन एक्यूज थे। उनके घर पे रेड हुई। जब रेड हुई तो उनके घर से एलिजेडली जो ईडी का जो एलिगेशन है कि उनके घर से 17 ट्रंक डॉक्यूमेंट्स निकले जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स थे। और फिर उसे एक आप ही के हम नाम थे मनोज, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल रेवेन्यू के ऑफिसर थे। इसके बाद जो इन पे एलिगेशन आया वो 8.86 एकड़ लैंड का एलिगेशन है, जिसको ये कहा गया कि ये हेमंत सोरेन का जमीन है। और हेमंत सोरेन की जमीन के बारे में जब रिवेन्यू रिकॉर्ड्स देखे गए तो उसमें कहीं पे भी ये उनका नाम नहीं था।
जितने भी स्टेटमेंट थे उसकी बेसिस पे उनके अगेंस्ट केस बनाया गया था। तीन चार लोग थे जिन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले ये ज़मीन खरीदी थी। जब ये ज़मीन की बात हुई तो इसका पता चला एक सेक्शन 48 है छोटा नागपुर ट्राइबल एक्ट जी, जिसे CNT एक्ट जिसका जिक्र इस ऑर्डर के अंदर है, वो ज़मीनें होती जो ज़मीनें नॉन ट्रांसफरेबल है। हमारे यूपी में भी ऐसा है कि जो दलितों की ज़मीन है उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, और वो भी ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। तो जिन लोगों ने ये एलिगेशन लगाया था कि ये ज़मीन हमारी थी और हमसे ज़बरदस्ती 2010 के अंदर हमसे इविक्शन करा लिया गया, उन लोगों का भी ये राइट नहीं था कि वो उस ज़मीन को ख़रीद सकते, क्योंकि ये सेक्शन 48 जो CNTA एक्ट है उससे बाहर थी और नॉन ट्रांसफरेबल थी। तो इसलिए जब ये सारी सूरत कोर्ट के सामने आई, ये मैटर चल ही रहा था राजीव रंजन के कोर्ट के अंदर, जो स्पेशल जज थे एनफोर्समेंट डायरेक्टेड का सारा केस वो देख रहे थे, तो वहां से ये बेल रिजेक्ट होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट के अंदर आई और हाई कोर्ट ने अपना 55 पेजेस का ये जजमेंट दिया, और उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टेड की पूरी सबमिशंस, उनके पूरे एलिगेशंस, उनकी जो जितना भी उनके आर्ग्यूमेंट थे वो सब इसके अंदर मौजूद थे। और इसके अलावा इसमें जो सबसे अहम बात है वो जो पैराग्राफ 61 से ऑनवर्ड्स जो दो तीन पैराग्राफ हैं उसमें इसे समराइज किया गया कि ये क्या वजह है कि इन्हें हेमंत सोरेन को बेल देनी चाहिए। तो हेमंत सोरेन को जब बेल दी गई है, असल में वो अभी भी आपने भी शुरुआत की सेक्शन 45 की शुरुआत की, तो सेक्शन 45 अंदर जो सबसे पहली शर्त है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस बेल एप्लीकेशन को अपोज करने की अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो पहली क्वालिफिकेशन बेल देने के लिए होगी। दूसरी है कि वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस द एप्लीकेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस। जब तक ये बात कोर्ट को अपने आप मुतमईन नहीं होगा कि मैं ये जो आदमी है जिस जो बेल का एप्लीकेंट है जो अक्यूज है ये गिल्टी नहीं है, तब तक बेल नहीं दे सकते। असल में सेक्शन 45 हो, PMLA का हो, मकोका के अंदर भी इसी तरह का एक प्रोविजन है, NDPS एक्ट के अंदर भी इसी तरह प्रोविजन है कि अक्यूज को अपनी जो है अपनी इनोसेंस उसे प्रूव करनी होती है और प्राइमा फेशाई उसे ये साबित करना होता है कि वो गिल्टी नहीं है। तो ये जब कोर्ट ने ये सेक्शन 50 के जितने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे उन सबको देखा तो कोर्ट को लगा कि ये प्राइमा फेशाई इनके अगेंस्ट केस नहीं बनता है। तो जब तक ये चीज सेटिस्फाई नहीं की जाएगी कोर्ट बेल ही नहीं दे सकता। तो कोर्ट को अपने जजमेंट में ये स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, और लिखा है कोर्ट के अंदर कि उसे कोई ग्राउंड कोई रीजन नहीं मिलता है कि ये गिल्टी। तो इसके अलावा सेक्शन 45 के अंदर और भी है कि जिन लोगों को बेल दी जा सकती है, औरतों को दी जा सकती है, जुवेनाइल को दी जा सकती है, बीमार है दी जा सकती है, कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन इसको बहुत सख्त बनाया गया है इस सेक्शन को कि एक बार जब तक इनोसेंस प्रूव नहीं हो जाती है तब तक उसको बेल नहीं दी जाती। आज तमाम अखबार की सुर्खी यही है कि कोर्ट ने कहा है कि उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं। बेसिकली इस बेल को क्वालिफाई करने के लिए बेल ऑर्डर को ये कहना बहुत जरूरी था कि उनके अगेंस्ट कोर्ट सेटिस्फाई है कि उनके वो गिल्टी नहीं। तो ये थोड़ी सी भूमिका थी जो मैंने बताने की कोशिश की PMLA। तो सर भाई इसमें जो माने निकलते हैं, क्योंकि हमने दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का विरोध हो रहा था उनको, चूंकि निचली अदालत ने ट्रायल कोर्ट ने न्याय बिंदु जी की अदालत ने उनको
बेल दे दी थी और फिर ईडी पहुंची हाई कोर्ट में, तो वहां एक दलील ये निकली थी कि साहब ये मिनी ट्रायल हो गया एक तरह का, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने सुना नहीं। वहां तो इल्जाम ये था कि ईडी को मौका ही नहीं दिया, ईडी की दलीलें नहीं सुनी, ईडी को रिटर्न ऑर्डर नहीं देने का मौका दिया, और उस बात की बाद में तस्दीक हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अदालत ने की, जब उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि भाई आप, ये बड़ा अनयूजुअल है कि आप या तो मौके पे ऑन द स्पॉट जजमेंट दीजिए, रिजर्व रखने का क्या मतलब है स्टे के मामले में, वो भी बेल पे। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन प्रीपोन करके, एक दिन प्रीपोन किया, वो भी अनयूजुअल था, देना उनको 26 को सुनवाई करनी थी, 25 को सुधीर कुमार जैन साहब ने उसकी सुनवाई की, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो जजमेंट परवर्सिव है और विकृत है, उन्होंने उसको उन सारी चीजों पे गौर नहीं किया, और ट्विन जो कंडीशन है पीएमएलए की उससे वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं करता, उन्होंने रिकॉर्ड पे इस चीज को नहीं लिखा। उस संदर्भ में जो दलील थी विक्रम चौधरी साहब की, सीनियर एडवोकेट और अभिषेक मनु सिंघवी की, भी पूरा ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, जज साहिबा ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने उस पर बात कर ली। अब ये मिनी ट्रायल, तो यहाँ मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये तो एक तरह से जमानत मिलना पीएमएलए में विन कंडीशन, यानी कि पूरा एक तरह का ट्रायल ही हो गया है तो मिनी ट्रायल, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये दोषी नहीं है, दोषी नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको तब जमानत मिलेगी, वरना तो मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल, असल में मिनी ट्रायल नहीं है, ट्रायल एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जब बेल को कंसीडर किया जाता है, जो नॉर्मल बेल है उनके अंदर दो तीन चीजों को लेके कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले ये कंसीडर किया जाता है कि दिस अक्यूज विल नॉट फ्ली अवे फ्रॉम जस्टिस, यानी आपने जमानत दे दी तो भाग तो नहीं जाएगा। दूसरा होता है कि वो ही विल नॉट टेम्पर द एविडेंसेस, किसी गवाह को तोड़ेगा नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स है उसे टेम्पर नहीं करेगा। और तीसरा ये है कि उसके जो एंटीसीडेंट्स, कि वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो बाहर जाएगा और वो ये ऑफेंस रिपीट नहीं करेगा, वो अपराध नहीं करेगा। ठीक बात, तो नॉर्मल कोर्स के अंदर, लेकिन जहां पीएमएलए की बात आती है, पीएमएलए के अंदर इस चीज को क्वालिफाई करना जरूरी है कि ये कोर्ट अपने आप में मुतमईन हो रहा है, कोर्ट अभी ये वर्डिक्ट नहीं दे रहा है कि ही इज इनोसेंट और ये डिस्चार्ज हो जाएगा या एक्विटल हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स टेकन बाय द ईडी, कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि ये अभी प्राइमा फिशाई गिल्टी महसूस नहीं होते हैं और गिल्टी नहीं, इसलिए बेल दी जा रही है। दूसरा ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन लिया गया है। तीसरा ये है कि इनसे ये भी उम्मीद नहीं है कि ये जब बाहर जाएंगे, ये बात भी कोर्ट ने इस जजमेंट में कही है कि वो इस और ये वाला इस तरीके का ऑफेंस जो है रिपीट करेंगे। तो कोर्ट ने बहुत मजबूती उसको ऑब्जर्व किया है कि ये जितनी भी उनके अगेंस्ट एलिगेशन, उसमें जैसे देखा गया कि ये जो लैंड है, इस लैंड पे जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो किसी और के नाम पे है जी, इसमें सिर्फ हियर से है कि कोई उसमें जजमेंट के अंदर उस लेडी का नाम बिल्कुल हाइड कर दिया गया, उसमें नहीं बताया गया कि जिससे ये पूछा गया था कि मालिक कौन है, उसने कहा कि इसके मालिक तो वो हैं। तो ऐसे ही चलते फिरते पूछ के आपने ये कह दिया कि ये उसके मालिक हैं और ये उनकी लैंड है, और इस लैंड की बेसिस पे जो ईडी ने जो भानु प्रसाद के अगेंस्ट और बड़े इन्होंने जो एक सिंडिकेट दिखाया था कि ये सारे लोग हैं जो लैंड ग्रैबर्स हैं और वो मिलकर इस तरह के ऑफेंस करते हैं, उसी में उन्हीं लोगों में से किसी जो एविडेंसेस इकट्ठी की, वो ओरल एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। रिवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं पे ये नहीं है कि ये लैंड इनकी है, इनके नाम पे है। तो कोर्ट को ऑब्वियसली इस बात पे, इस नतीजे पे पहुंचना था कि ये प्राइमा फिशाई इनोसेंट है। मिनी ट्रायल इसको इसलिए नहीं कह सकते कि अगर सिर्फ ट्रायल होता इसकी बेसिस पे, असल में कोई भी एफआईआर को क्वाश करने के लिए नॉर्मली यही होता है, आपका इतना तजर्बा रहा, आप लीगल कवरेज करते रहे हैं बहुत दिनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो आपने देखा होगा कि जो एफआईआर की क्वेश्चन के लिए लोग आते हैं तो वो तब आते हैं कि एक गवाह आया, उस गवाह ने एक बयान दिया और उससे पूछा कि भाई आपने ये ऑफेंस होते देखा था या जो आपने
164 का जो आपका स्टेटमेंट था, बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो तब कोर्ट में आ जाते हैं कि भाई ये वो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इसको एफआईआर को क्वाश कर दिया है, लेकिन इससे ट्रायल बंद नहीं हो जाता है। ये सिर्फ बेल है, बेल की कंडीशन है, 50,000 रुपए के श्योरिटी का, हाँ उन्होंने श्योरिटी दी है, दो श्योरिटी दी है, बिल्कुल बिल्कुल वो कंडीशन में लगाई है। तो अगर कोर्ट को पूरी तरह ये लगता कि ये पूरी तरह इनोसेंट है तो हाई कोर्ट को तो पूरी पावर है, हाई कोर्ट को 482 के अंदर जो इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन है उसमें वो चाहता तो कोर्ट को एफआईआर को क्वाश कर देता, जो कंप्लेंट है उसको क्वाश कर देता। तो अभी इसको ये कह देना कि ये मिनी ट्रायल है, और मेरा सवाल असद भाई उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, मेरा कॉन्टेक्स्ट था कि क्योंकि इसमें हेमंत सोरेन साहब भी ये कह रहे हैं, समूचा विपक्ष ये कह रहा है, और एक आम राय बनी हुई है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। ईडी सीबीआई पे जो इल्ज़ाम इन दिनों लग रहे हैं कि वो हुकूमत निजाम के इशारे पर काम करती है अपने राजनीतिक विरोधियों को काबू में करने के लिए, अब उनका जो नुकसान होना था वो नुकसान तो हो गया, ठीक है। और चूंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के मामले में, सत्येंद्र जैन के मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में पौने दो साल से ज्यादा वक्त हो गया है, निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मंत्री, निर्वाचित उप मुख्यमंत्री जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, जमानत के मामले में एडजॉर्नमेंट कर दिया जाता है 6 हफ्ते का, और सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच फिर ये कहती है कि भाई ये मुनासिब नहीं है, आप एडजॉर्नमेंट इतना लंबा ना करें जमानत के मामले में, ये बोलना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। हमारे चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि जो लोअर जुडिशरी है वो भी संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसले ले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, जुडिशरी को बेल देने में मतलब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को डरना नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए। तो वो पूरा एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब क्या ये हेमंत सोरेन वाली जो जजमेंट आई है, जो उन्होंने बात कही है, क्या उसका असर बाकी ऐसे मामलों पर आपको लगता है पड़ेगा जो और पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली में जो दूसरे लोग मतलब सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया वगैरह। असल में देखिए जब कभी भी कोई पॉलिटिकल आदमी एक्यूज होता है तो उसको अखबारात को और मीडिया का जो देखने का प्रोस्पेक्टिव है या आम आदमी का वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो कोर्ट का प्रोस्पेक्टिव है वो थोड़ा वो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पे होता है। कोई भी कोर्ट किसी को जमानत अगर देता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, क्या अपने रिकॉर्ड पे क्या मौजूद है, एविडेंस क्या है, चार्जशीट के अंदर क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन जब मीडिया उसे एनालाइज करता है उसकी दूसरी रीजन होती है, जाहिर है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर आप जेल भेज रहे हैं या सिटिंग एमपीज एमएलएज को आप जेल भेज रहे हैं तो उसका पॉलिटिकल एंगल भी होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको याद होगा और आपने वो केस कवर भी किए हैं जो शिबू सोरेन वगैरह का था, जो पीवी नरसिम्हा राव का केस, तो बेसिकली इट वाज ए पॉलिटिकल केस, पूरी जो गवर्नमेंट थी उसको बचाने वाले लोगों के अगेंस्ट वो केस किया गया था, और एक किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जब उनके अगेंस्ट कॉग्निजेंस लिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, अगर मुझे ठीक से याद है तो एमएल शर्मा की पीआईएल थी, अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद एक वो राष्ट्रीय कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी ना, मुझे इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा, मैं उससे से भी तो वो सारा जो था आपने देखा होगा कि सब मिनिस्टर्स सारे के सारे एमपीस और सब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ट्रायल हुआ था, और विज्ञान भवन के अंदर पूरा एक कोर्ट बनाया गया था जो स्पेशल कोर्ट था जिसमें अजीत भाईयों बैठते थे, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट सेंट किट्स वाला भी एक और मैटर था जिसे उस वक्त के जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कॉग्निजेंस लिया था, वो भी उसी कोर्ट के अंदर आ गया। तो ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनके रीजनिंग पॉलिटिकल जरूर होते हैं। आपने हवाला का केस देखा, हवाला के अंदर अडवाणी वो उसमें और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं नरसिम्हा राव की कैबिनेट के लोग मौजूद थे, हवाला का केस चला है।
तो उसके पॉलिटिकल रीजनिंग और पॉलिटिकल रीजंस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जब कोर्ट के पास कोई चीज आती है तो जाहिर है कि कोर्ट के पास अगर कोई मुकदमा आता है तो उसका एक ही प्रोसीजर है कि किसी ने कंप्लेंट की है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद ट्रायल ओपन हुआ है, और जब ट्रायल हुआ है तो फिर कोर्ट का पूरा डिस्क्रिशन है कि उसमें क्या जजमेंट देता है। आपने देखा कि नरसिम्हा राव के केस के अंदर भी सारा कुछ खत्म हो गया और चलते चलते फिर आखिर में यहाँ तक बात पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 105 जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है, और विद इन पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ऑफेंस होता है उसमें कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं, बेसिकली तो यही कहा गया था। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह किया गया था कि जिन लोगों ने रिश्वत लेके वोट दिया है वो लोग इम्यून हो गए, और जिन लोगों ने रिश्वत ली लेकिन वोट नहीं दिया तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं हुए, इसलिए दे आर एक्यूज। लेकिन उसके बाद अभी 5 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है और उस ऑर्डर को फिर रिविजिट किया जा रहा है कि वेदर दिस ये जो प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है कि रिश्वत लेके आप वोट देंगे तो वो ठीक है या गलत। बिल्कुल। तो असद भाई, अब इसमें क्या लगता है आपको, इस मामले का क्या बाकी मामलों पर इस जमानत का कुछ असर पड़ेगा, क्या इसकी प्रेसिडेंट ली जा सकती है? में जब कोई बिल्कुल सिमिलर नेचर के किसी मैटर के अंदर कोई जमानत मिलती है तो बाकी जो केसेस से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं या सिमिलर होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं तो कोर्ट उनको कंसिडर जरूर करता है। तो जाहिर है कि ये इससे अगर झारखंड में कोई इस तरह का कोई केस होगा तो वहाँ के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं बल्कि लोअर कोर्ट के अंदर जहाँ पे इस तरह के केसेस पेंडिंग हैं वहाँ ये ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो आइडेंटिकल हो और ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस। तो बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, हम आपको समय समय पर आपका समय, आपका मशवरा, आपकी सलाह, आपकी मार्गदर्शन और आपका विश्लेषण लेते रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, और जो हमारे दर्शक इस जो मैं अपने दर्शकों को सूचित कर दूं, जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम अब असद भाई को हर हफ्ता कोशिश करेंगे कि उनका थोड़ा सा वक्त चुरा लें, और वो वक्त हम उनका जो वक्त है और उनकी जो उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो तजुर्बा है, उससे कोशिश करेंगे कि आम लोगों को, तो आप हमें सवाल लिख सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल से हमें संपर्क कर सकते हैं, जो आपकी कानूनी अगर कोई उलझन है, अगर आपको किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आप कोई जानना चाहते हैं, तो हम असद भाई से और हमारे जो दूसरे साथी हैं जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों पर रुचि रखते हैं, उनसे हम बात करके कोशिश करेंगे कि उन उलझनों को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करें। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम यदि आपको पसंद आता हो तो हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि कानून जानेंगे तभी कानून मानेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ असद भाई आपसे आज रुख्सत लेते हैं, विदा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।